लेते हैं, चाहे मुख्यमंत्री करनाल की जो उसका गढ़ है, जो उसकी विधानसभा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करनाल के अंदर हो रहा है। और जो पारणा गांव के अंदर जो हमारे किसान साथियों पे पर्चे किए गए थे, वो हमारे किसान यूनियन कार्यकारिणी के मेंबर थे साथियों। जब हमारी किसान यूनियन की कार्यकारिणी अपने हकों के लिए उनपे 307 लगी, 302 लगी, पर किसी साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इन साथियों पे पुलिस आती है, उनके घरों पे छापा मारती है, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब हमें अपने न्याय की बात करी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, इन पुलिस के प्रशासन के द्वारा जिसको मैजिस्ट्रेट बनाया गया, उन्होंने कहा कि इनके सर फोड़ दो। हमें न्याय कहां मिला? आप अपने न्याय के लिए हमारे बीच में आते हैं। इस मुख्यमंत्री ने यह कहा था जैसे को तैसा, अगर ये मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, आप भी धक्का मुक्की करिए। अगर वहां पे जहां लखीमपुर के अंदर हमारे ऊपर गाड़ियां चलाई गई, हमारे किसान शहीद कर दिए, अगर जैसे को तैसा हम भी कहें कि इन नेताओं के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो, इसी मुख्यमंत्री ने कहा ना जैसे को तैसा, अगर उसी काम पे हम भी आ जाए तो क्या होगा? ये मुख्यमंत्री को सौंपा देते हैं। हमारी केवल विनती ये है आज की, हमें अदर्श थाने के आगे जगह दे दो, हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। चल रहे हैं, अगर हम किसान यूनियन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य निर्णय ले ले, बिजली कर्मचारी जो रिश्वत लेते हैं ना, अगर हम उनको पकड़ाने का काम कर देना, तो जय की कुर्सी भी खत्म हो जाएगी, राष्ट्रीय की भी हो जाएगी। और ये पुलिस वाला भी सुन लो, अगर हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये निर्णय दे दिया ना, जो एंटी करप्शन जो रिश्वत लेके किसानों का काम करते हैं ना, तो ये थाने भी खत्म हो जाएंगे, कोई कुर्सी नहीं रहेगी, सारे के कंधे भी रहेंगे। हमें ये बता किस किस की रिपोर्ट है, कौन से नकली डीएमसी से बैठे इंक्वायरी कराने वाला चाहिए, किस पर काला धन है। अगर हम अपनी पा गए ना, ये थाने भी खाली हो जाएंगे, नए भर्ती हो रहा। अपने हक की बात ना करो, जहां किसानों की हक की बात है वो हक दिलवाने का भी काम करे साथियों। आप इस कुर्सी पर न्याय दे, ये नहीं है कि जो विधायक एमपी है उसके कहने से किसानों पे पर्चे दर्ज करे, ये जो विधायक बैठे एमपी बैठे उसको पता चले कि किसान ओडा काबू आएगा, इस पर पर्चे दर्ज कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए संयुक्त मोर्चे की काल पे उन्होंने कहा था कि कोई एमएलए मिनिस्टर गांव में नहीं घुसना चाहिए, कोई बिजली कर्मचारी अगर गांव में घुसता है तो उसको बंधक बना लिया जाए, तो इन्होंने आंदोलनकारी थे, आंदोलन का काम किया, किसान मोर्चे की इज्जत बढ़ाई है साथियों। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अगर हमारे बारना के किसान साथियों को गिरफ्तार करना है, तो सबसे पहले जो 10,000 पर्चे मारे पे हो रहे हैं ना पूरे हरियाणा में, हमें गिरफ्तार करें, क्योंकि हम पे 307 लगी है, 302 लगी है, उन भाइयों से बड़ी धारा हमारे पे लगी हुई है। पहला नंबर मेरा भाइयों, तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार करें, ये बाद में गिरफ्तार होंगे।